सर आपने फिनिक्स को क्यों चूज़ किया? फिनिक्स को इसलिए मैंने चूज़ किया, मैं एक दो बार चंडीगढ़ में, क्योंकि नियर अबाउट हमारे टाउन से क्लोज पड़ता है, वहाँ पे मैं गया। तो वहाँ पे बिजनेस इमिग्रेशन का भी डील करते हैं, एजुकेशन का भी करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा भी डील करते हैं, पर जो फिनिक्स है ओनली फॉर बिजनेस इमिग्रेशन डील करते हैं। तो उनके कंपैरेटिवली मेरे को फिनिक्स बेटर लगा। और जब मैंने एमपी सर की वो यूट्यूब में वो देखी, वीडियो देखी, तो मेरे एक इंट्यूशन हुई है माइंड से कि ये सर बहुत मतलब ट्रस्टफुली बात कर रहे हैं। मेरा अपने आप ही उनकी तरफ एक अट्रैक्शन हो गई कि नहीं, ये मेरा केस अच्छी तरह करेंगे। फिर मैंने वैसे भी जो मैंने वीडियोस वगैरह देखी है, एमपी सर की दो तीन वीडियोस थी, मैंने कहा ये पर्सन ग्राउंड लेवल से अपर गई है, तो ये ऐसे वो नहीं, अपने साथ फ्रॉड नहीं कर सकते। तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने फिनिक्स चूज़ किया। सर आपने ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ किया? ऑस्ट्रेलिया सबको पता है एनवायरमेंटली अपने इंडिया के साथ मैच करता है, ठीक है, और कहते हैं कि वहाँ पे क्राइम क्रूम भी नहीं है, गन पॉइंट पे भी जैसे अमेरिका अमेरिका वगैरह में सब में मतलब क्राइम वगैरह बहुत ज़्यादा है, पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो मैंने हमेशा अच्छा ही सुना है। और इतना यहाँ पे आज के टाइम इतनी वो हुई पड़ी है, जैसे क्या बोलते हैं उसको अपना, मतलब डाउनफॉल है, इकोनॉमिकली डाउनफॉल हुआ पड़ा है, और वहाँ पे अभी भी अपग्रेड हुई, रिसेशन नहीं है। तो इसलिए मैंने अपने फ्यूचर के लिए अगर मैं यहाँ पे बिजनेस करता हूँ तो वहाँ पे भी बिजनेस मेरा ग्रो कर सकता है, इसलिए। सर जैसे आपने बताया कि तनुज जी से आपके आपकी पहली बार बात हुई थी और उन्होंने आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताया, तो पहले दिन उन्होंने जो बताया था और आपकी नॉमिनेशन अप्रूवल तक, कहीं कोई आगे पीछे कोई बात थी? नहीं, बल्कि ज़्यादा ही हुआ है, कोई कम नहीं हुआ। जैसे उन्होंने बताया जितना टाइम था उससे पहले ही हुआ काम, उसके बाद अपने रोहन सर, यश सर, प्रिया मैम सारे मेरे साथ टाई अप में रहे, मारियो मैम भी हैं उन्होंने भी मेरे को बताया, तो मुझे सबके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग और एक फैमिलियर की तरह हम एक दूसरे के साथ सारे अपने डॉक्यूमेंट्स की वो बातचीत करके अपने पेपर्स हमने एक दूसरे से शेयर करे। सर आपकी नॉमिनेशन अप्रूवल होने में कितना टाइम लगा था? देखो उन्होंने तो मुझे 60 डेज का टाइम दिया था, पर मेरे मैंने 16 मई को अप्रूवल के लिए पेपर भेजे थे और मेरे 30th को आ गए। ओके, यानी 15 दिन, ओनली 14 to 15 days। सर आपके हिस्से से बहुत सारे क्लाइंट ये वीडियो देखने वाले हैं, तो उनके लिए आपके कोई सजेशन, कोई मैसेज जो आप? सजेशन यही है, जो फिनिक्स है वो ओनली फॉर डील करता है बिजनेस इमिग्रेशन के लिए, और इतना कंसंटेंटली डील करते हैं कि मतलब कि वो कहते हैं कि अपने को उसके लिए बर्डन नहीं पड़ता। जैसे अगर हम किसी के साथ किसी इमिग्रेशन में जाते हैं तो हमें अपने पेपर अपने आप ही उनको देने पड़ते हैं, सारा बर्डन वो लेते हैं, हमें तो सिर्फ उन पेपर्स को देना होता है। तो मेरे ख्याल से तो फिनिक्स से बेस्ट कोई नहीं होगा आज के वक्त इंडिया में। थैंक यू सर। आंसर फिनिक्स टीम को कोई सजेशन, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? सजेशन तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो कोई डिसएडवांटेज और कोई उनका पॉइंट ऑफ वीक नहीं लग रही। सो हम ऐसा कह सकते कि फिनिक्स ने जो आपको प्रॉमिस किया था उन्होंने ओवर डिलीवर किया? हाँ। और आप सेटिस्फाइड हो सारे प्रॉमिस से? और आप 100% देंगे? 100%। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।